नमस्कार दोस्तों, एक 5 साल का लड़का अपने पापा के साथ दिल्ली की सुपरमार्केट घूमने गया। जब शॉपिंग करते करते टॉयज सेक्शन के करीब पहुंचा, तो वहां रंग बिरंगे खिलौनों को देखकर उसका जी मचल गया। उसने कहा, पापा पापा मुझे कार लेनी है, प्लीज पापा। लड़के ने पापा का हाथ खींचते हुए कहा। तो पापा अपने बेटे को बहुत मानते थे, उसकी ये रिक्वेस्ट ठुकरा नहीं पाए। बोले, ठीक है बेटा, तुम ये कार ले लो। बच्चे ने झट से कार उठा ली और खुशी से झूमता हुआ आगे बढ़ने लगा। अभी वो 2-4 कदम आगे ही चला था कि बेटा बोला, पापा मुझे ये कार नहीं चाहिए, मुझे तो रिमोट कंट्रोल वाला हेलीकॉप्टर चाहिए। ये सुनते ही पापा थोड़ा गुस्सा हुए और बोले, हमारे पास अधिक टाइम नहीं है, मार्केट बंद होने वाला है, जल्दी से खिलौना लो और यहाँ से चलो। बेटे ने कार रखी, हेलीकॉप्टर को अपने कब्जे में लेकर इतराने लगा। पापा ने बेटे का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ने लगे। तभी बेटा जोर से बोला, रुको 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 पापा, वो डायनासोर कितना खतरनाक लग रहा है, मैं वो ले लूँ क्या? बताओ ना पापा, क्या करूँ मैं, ये लूँ कि वो लूँ? पापा ने बेटे को फौरन गोद से उतार दिया और कहा, जाओ जल्दी से कोई खिलौना चूज करो और यहाँ से चलो। अगले कुछ पलों तक बेटा इधर उधर दौड़ता रहा और यही सोचता रहा, ये लूँ कि वो, पर डिसाइड नहीं कर पाया कि उसे क्या लेना है। तभी सुपरमार्केट की लाइट ऑफ होने लगी और कस्टमरों को बाहर निकालने के लिए कहा जाने लगा। पापा भी गुस्से में थे, उन्होंने बेटे को गोद में उठाया और बाहर निकल पड़े। बेचारा बेटा रोता रह गया, उसके मन में यही आ रहा था कि काश उसने कोई टॉय सिलेक्ट कर लिया होता। दोस्तों, हम सभी उस लड़के की तरह हैं और ये दुनिया खिलौनों की एक दुकान है, जिसमें हर तरह के ढेरों खिलौने मौजूद हैं। लाइफ आपको अलग अलग स्टेज पर टॉयज की ढेर सारी चॉइस देती है, कभी आपको एजुकेशन, कभी जॉब या बिजनेस, तो कभी रिलेशनशिप चूज करने का ऑप्शन देती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग कोई ठोस निर्णय लेने की बजाय यही सोचते रहते हैं कि ये लूँ कि वो, ये पढ़ाई करूँ कि वो, ये जॉब करूँ कि वो, इससे शादी करूँ कि उससे, और इसी चक्कर में कुछ करने का उनका प्राइम टाइम निकल जाता है और बाद में उन्हें उस बच्चे की तरह पछताना पड़ता है और सब स्टैंडर्ड ऑप्शन चूज करना पड़ता है। दोस्तों, इसलिए जब लाइफ में इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने की बात हो, तब इनडिसिसिव मत बनिए। अपने निर्णय को लंबे समय तक मत टालिए, अपने सरकमफ्रेंस और बेस्ट नॉलेज को यूज करते हुए निर्णय लीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाइए। धन्यवाद दोस्तों।